हेलो गाइस, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ई लर्नर। गेट लाइफ साइंसेस के केमिस्ट्री पोर्शन को बहुत ही ज्यादा आसान और स्कोरिंग बनाने के लिए मैं आया हूं, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सोनक सिन्हा बाबू। ये कुछ बातें हैं मेरे बारे में और मैं इन एन नटशेल आपको टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा और हम मिलकर सीखेंगे केमिस्ट्री के इस सब्जेक्ट को और गेट एक्सेल के प्रिपरेशन को हर स्टेप पे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाते चलेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। इसमें हम शुरू करने वाले हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और ये है पार्ट वन। इसमें हम पढ़ेंगे एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, किस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, कैसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, बहुत सारी बेसिक बातें ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बिल्ड हो जाए। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाएंगे और ट्रिक्स भी देखेंगे, ठीक है? तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, चीजों को एक के बाद एक सीक्वेंस में देखते चलिएगा। शुरू करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो लीनियरली कंबाइन करते हैं और मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब ये चीज करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना जरूरी है और ये रूल्स क्या क्या हैं? ये तीन रूल्स हैं कि सबसे पहले जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट बी रफली ऑफ द सेम एनर्जी, इक्विवेलेंट एनर्जी के होने चाहिए, तभी जाके ओवरलैप कर पाएंगे। डिफरेंस होगा तो ओवरलैप सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन का एक रूल। दूसरा रूल ये है कि ये जो ओवरलैप है वो एक दूसरे से जितना ज्यादा हो सके, जितना हाई एक्सटेंट तक हो सके उतना अच्छा है, ठीक है? ऑर्बिटल्स अच्छे से ओवरलैप करेंगे तो जाके क्या होगा, बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग बनेगा, राइट? तो ये बात है, इसीलिए दे मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाना चाहते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो सिमेट्री है ना दो एटॉमिक ऑर्बिटल का, वो अनचेंज रहना चाहिए। जब कभी भी इंटरन्यूक्लियर, जब भी क्योंकि एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आते हैं ना ऑर्बिटल्स, तो जब भी उनको रोटेट करें तो क्या होना चाहिए, सिमेट्री जो है दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स का अनचेंज रहना चाहिए, ठीक है? इन चीज़ों को, ये थोड़ा डिटेल वाले चीज़ें हैं, इन्हें हम बाद में अपने प्रॉपर कोर्स में देखेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए हम ये जान लेते हैं कि किस तरीके से ये होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं यानी पुराने घर होते हैं, ये पुराने घर टूटते हैं और नए घर बनाते हैं। नए घर दो तरीके के बनते हैं, एक होगा बहुत हाई इन एनर्जी और एक होगा बहुत लो इन एनर्जी। लो इन एनर्जी जो होगा वो बहुत स्टेबल सा घर होगा और वो है आपका बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और उसी तरीके से एक बहुत अनस्टेबल वाला होगा वो होगा क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स खुद को रीअरेंज कर लेंगे नए घरों में, ठीक है? घर बन गए, घर टूट के घर बने, तो जो लोग रहते थे यानी जो इलेक्ट्रॉन्स रहते थे उन ऑर्बिटल्स में, वो भी अब खुद को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अरेंज कर लेंगे उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए जो रूल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और ऑफबो प्रिंसिपल, ठीक है? तो बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इस तरीके से हम LCAO यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब यहां आ गया आपका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, किस तरीके से हम देखेंगे कि दो केसेस देखेंगे बेसिकली, ठीक है? दो केसेस देखेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए, और यहां पे बेसिकली अगर मैं पहले से ही बता दूं, वी आर टॉकिंग, ठीक है? तो अगर बेसिकली यहां पे हम बात करना चाहते हैं होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उनका मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है, ठीक है? तो एमओ डायग्राम बोलते हैं इसे, ठीक है? एमओ डायग्राम्स को देखेंगे। एमओ डायग्राम्स को देखने के लिए सबसे पहले यहां तो देखेंगे कि सबसे लीस्ट एनर्जी क्या होता है, तो सिग्मा ये होता है सिग्मा 1s, ये हो गया आपका बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। सिमिलरली यहां पे अगर आप देखोगे ये क्या है, दिस इज सिग्मा सिग्मा स्टार 1s, और स्टार जब भी लिखा जाता है उसका मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। एक बात हमें ध्यान में रखना है कि देखिए जो एनर्जी, यहां सब कुछ एनर्जी के एक्सिस पे दिखाया जा रहा है, राइट? इस एक्सिस में एनर्जी ही है, तो एनर्जी हमें दिख रहा है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल से ज्यादा होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। अब एनर्जी हमें पता है कि इनवर्स रिलेशन रखता है स्टेबिलिटी के साथ, एनर्जी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, राइट? तो एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और स्टेबिलिटी अगर हम बोले इसी तरीके से तो क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल से स्टेबिलिटी ज्यादा हो। ये सब बातें तो दिमाग में क्लियर हो गई। अब तो यहां हम देखते हैं सिग्मा 1s, फिर यहां सिग्मा स्टार 1s, अगला सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, क्यों? क्योंकि जब भी हम यहां पे p ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो p ऑर्बिटल्स में क्या होता है, 2p अगर बना रहे तो 2px, 2py, 2pz, 2pz जो होता है वो सिमेट्रिकली बहुत फेवरेबल होता है क्या करने के लिए,
हेड ऑन ओवरलैप, और हेड ऑन ओवरलैप से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, यानी यही सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। बाकी दो जो बचे रह जाते हैं वो क्या करते हैं, पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए आपको इस डायग्राम में यहाँ पे अच्छे से दिखेगा कि ये जो पाई वाले हैं पाई टू पी वाई पाई टू पी एक्स, और उसी तरीके से पाई स्टार टू पी वाई पाई स्टार टू पी एक्स, ठीक है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। और सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स अगर हम देखें तो सिग्मा टू पी जेड सबसे नीचे और सिग्मा टू पी जेड सबसे ऊपर। ये वाले देखिए, इस वाले पार्ट को हम फिलहाल के लिए तो इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये कॉमन रहेगा जब भी हम N2O2 है, तो ये वाला पार्ट फेयरली कॉन्स्टेंट रहेगा। इस पार्ट के बारे में हम बात ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके 1s वाले शेल्स हैं, ये भरे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस। हमारा सारा गेम यहाँ पे होगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर ये एक जैसा नहीं मिलेगा आपको हर जगह, ठीक है। यहाँ तो आपने देख लिया कि इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में वन सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2px क्योंकि इनका कंपेरेबल एनर्जी होता है। सिमिलरली पाई स्टार 2py और 2px, लास्ट में क्या है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz। अच्छा, सबसे ऊपर एक सिग्मा स्टार, सबसे नीचे एक सिग्मा, बीच में यहां पे पाई स्टार और यहां पे पाई। ध्यान रखिएगा इस तरीके का जब डायग्राम बनेगा, यानी मैं अगर इस तरीके से बताऊं कि एक ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, एक ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, इस ट्राइंगल के यहां पे आपके पास क्या रहेगा, सिग्मा, यहां पे क्या रहेगा, सिग्मा स्टार, इधर पाई स्टार, पाई स्टार, यहां पे पाई और पाई। ये एक तरीके का डायग्राम है, ये जो ऊपर नीचे वाला ट्राइंगल बन रहा है ऐसा बनेगा किन मॉलिक्यूल्स के केस में, ये बनेगा O2, ये बनेगा F2 और ये बनेगा Ne2 के केस में, ठीक है। तो यहां आपको समझ में आ गया, इस तरीके का एक डायग्राम बन रहा है। मैंने रफ में इस तरीके से बताया आपको ताकि आप इजीली इस चीज को याद रख पाए, क्योंकि हर बार ये डायग्राम बनाना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप ये ट्राइंगल को भी याद रखेंगे तो भी आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये वैलिड होता है किसके लिए, O2, F2 और Ne2 के लिए। अब यही एनर्जी लेवल डायग्राम हम दूसरा देखते हैं। यहां पे ऑब्वियसली अब वो खुद ही सिंप्लीफाइड डायग्राम बना के दिखा देता हूं। नीचे वाला पार्ट एकदम कांस्टेंट रहेगा, नीचे वाला पार्ट मतलब लेट मी शो यू कि 1s, 1s यहां पे सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s ये, फिर 2s, 2s सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s। इस वाले पार्ट को हम यहां पे कांस्टेंट ही रख रहे थे, राइट। ऊपर वाला पार्ट में सारा गेम है, ठीक है। तो हमारे पास 2p ऑर्बिटल्स होंगे, 2p के तीन ऑर्बिटल्स, 2p के तीन ऑर्बिटल्स, ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इसके बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबसे पहले हाईएस्ट एनर्जी किसका होगा, हाईएस्ट एनर्जी आपका हो जाएगा यहां सिग्मा स्टार 2pz, ये हो गया आपका सिग्मा स्टार 2pz। अब पिछले केस में क्या था, ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोरीन डाई नियॉन, इसके लिए क्या था कि लीस्ट वाला क्या था 2p सिग्मा 2pz, मैक्सिमम वाला क्या था सिग्मा स्टार 2pz। यहां पे क्या है, मैक्सिमम वाला तो सिग्मा स्टार 2pz है, पर जो लीस्ट वाला होगा ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ये हो गया आपका सिग्मा 2pz। अच्छा, अब बता दूं ये और ये, और सिमिलरली यहां पे ये और ये, ठीक है। इस तरीके से आपका पाई 2px पाई 2py यहां बनेगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, हो गया चेंज, हो गया राइट, एग्जैक्टली ये चेंज हो चुका है। अब चीजें वो पहले जैसे नहीं रही, पहले क्या था, ये वाला नीचे आता था, ये ऊपर आता था, बट यहां पे ऐसा नहीं है। तो जो लोअर वाले हैं मॉलिक्यूल्स, जैसे हम अगर देखें Li2, फिर अगर हम देखें Be2, B2, C2, ठीक है, और अगर N2 तक की बात करें, इन सारे में, इन सारे मॉलिक्यूल्स में इस तरीके का हमें मिलता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। और इसको अगर मैं अपने तरीके से थोड़ा बताऊं,
अपने तरीके से कैसे बताएंगे, सबसे ऊपर ये वाला, उसके नीचे दो पाई वाले, सबसे ऊपर सिग्मा स्टार, उसके नीचे दो पाई स्टार वाले, अब पाई स्टार वाले के नीचे फिर से एक सिग्मा, उसके नीचे पाई, यानी पाई का जो एनर्जी है वो सिग्मा वाले से कम है इसके केस में, ठीक है। तो इसको अगर मैं ट्राइंगल्स के फॉर्म में बनाऊं, ठीक है, एकदम अपने ट्रेडिशनल तरीके से, ये एक ट्राइंगल ऐसा बनेगा, दूसरा ट्राइंगल भी ऐसा बनेगा, और आपको ये ट्राइंगल का बेस पता है किससे बना हुआ होता है, पाई से। ये ट्राइंगल का बेस बना हुआ होता है पाई से, ये पाई स्टार, ये सिग्मा स्टार, एज ईजी एज दैट। आपको डायरेक्टली यही याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है, पूरा डायग्राम याद नहीं रखना, क्योंकि नीचे के डायग्राम वाला पार्ट तो ईजी है, ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और ये भी मैंने आपको समझा दिया, तो इतना आप ध्यान में रखिए। आगे आगे आने वाले वीडियो में हम हर एक मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मूला को देखेंगे, और उसके बाद आगे चल के ट्रिक्स देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्विंग भी करेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो तब तक के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, एंड जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।